हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अब में से कोई एक व्यूअर मेरे को पूछा था कि हम जब यान काट देते हैं यान का क्रश सेक्शन में कितना फाइबर रहता है नंबर ऑफ फाइबर कितना रहता है एक चीज़ में बताना चाहता हूँ वो नंबर ऑफ़ फाइबर है, काउंट का ऊपर डिपेंड करता है और डेनियर का ऊपर डिपेंड करता है दो चीज़ का उसका मतलब रहता है नंबर ऑफ़ फाइबर कितना रहेगा और कटन के केस में माइक्रोनियर वैल्यू और काउंट तो उसका अपन डिटेल में जाना है मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया था 3.5 पॉइंट फाइव वैल्यू का 30 काउंट अपन धागा बढ़ाते हैं तो कितना फाइबर रहेगा क्रस सेक्शन में यान का क्रस सेक्शन में आज वो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ फाइबर एन एयर सेक्शन मेनली दो चीज़ में डिपेंड करता है एक तो काउंट क्या है और डेनियर क्या है और काउंट भी फिर वो देखा जाएगा रपिंग काउंट जैसे आप तीस काउंट बना रहे हो तो साढ़े तीस रपिंग रखे हो तो साढ़े तीस पकड़ना कभी कभी तीस सात रखे हो तो तीस सात पकड़ना जो भी काउंट रखते हो उसी हिसाब से आपको पकड़ना पड़ेगा उसका फार्मूला है और वो लेंथ से कोई लडा देना नहीं है लेंथ है ये अपन कोई जरूरत नहीं है लेंथ क्या है और उसका जो फॉर्मूला है देखिए फाइव थ्री वन फाइव डिवाइड बाई डेनियर समझ लो अपन डेनियर ले वन पॉइंट टू का और काउंट पकड़े तीस पॉइंट फाइव तो इसको क्या करना देखिए फाइव थ्री वन फाइव में वन पॉइंट टू डिवाइड करने का जो हुआ उससे फिर रपिंग काउंट तीस पॉइंट फाइव डिवाइड करने का तो ऐसे करेंगे तो वन फोर्टी फाइव फाइबर आ जाएगा यान क्रश सेक्शन मतलब यान कभी भी अपन काट देंगे कहीं से और एक एक करके उसका रेशा गिनती करेंगे फाइबर वन फोर्टी फाइव आएगा अगर तीस पॉइंट फाइव काउंट है वन पॉइंट टू डेन है अपना क्वेश्चन था ये वाला माइक्रोनर वैल्यू अगर साढ़े तीन है तो कितना फाइबर रहेगा तो एक क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते देखो सबसे पहले ये कैलकुलेशन में जाइए वन डेनियर किसको बोलते हैं? वन ग्राम ऑफ फाइबर नाइन थाउजेंड मीटर्स डेनियर का फार्मूला हो गया अगर एक ग्राम का फाइबर लेंगे नौ हज़ार मीटर हो जाएगा उसका फाइबर का लेंथ है, तब इसको वन डेनियर बोला जाएगा तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रोनियर वैल्यू में देखिए एक ग्राम को हम वन थाउजेंड ग्राम में भाग कर दिए वन थाउजेंड भाग कर दिए ये हो गया वन माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम मतलब एक ग्राम का हजार भाग से एक भाग एक माइक्रोग्राम कितना होगा तो नौ हज़ार मीटर था डिवाइड बाय हज़ार इधर अपन हज़ार डिवाइड के इसमें भी हज़ार डिवाइड के तो कितना हो गया नौ मीटर्स हो गया अगर एक डेनियर का एक माइक्रोग्राम का अपन लेंगे तो नौ मीटर का लेंथ आएगा तो नौ मीटर को क्या के देखो नौ मीटर इसको इंच में कर दिए थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन मल्टीप्लाई कर दिया नाइन इंटू थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन ये हो गया इंच में हो गया और यहाँ जैसे ग्राम में अपन वन थाउजेंड डिवाइड के इसमें भी वन थाउजेंड डिवाइड कर दिए ये हो गया पॉइंट थ्री फाइव फोर इंच पॉइंट थ्री फाइव फोर इंच अपना जो माइक्रोनर वैल्यू का फार्मूला क्या है जो माइक बोलते हैं वन माइक्रोग्राम इज इक्वल टू वन इंच ये होगा वन माइक का फॉर्मूला वन माइक्रोग्राम एक इंच होगा तो वन माइक को आ जा, बोला जाएगा उसी हिसाब से देखिए पॉइंट थ्री फाइव फोर इंच आ गया इसको अब क्या करना वन में डिवाइड बाय पॉइंट थ्री फाइव फोर डिवाइड कर दीजिए ये आ जाएगा टू पॉइंट एट टू माइक्रोलेयर मतलब एक डिलर जो होता है टू पॉइंट एट टू माइक्रोलेयर हो जाएगा उसी हिसाब से अपन को क्या साढ़े तीन माइक का जो है साढ़े तीन डिवाइड बाई टू पॉइंट एट टू वन पॉइंट टू फोर डेनियर हो जाएगा तो ये कन्वर्ट करने का फार्मूला ध्यान रखिए तब आपको कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा अगर वन पॉइंट टू फोर डेनियर हो गया तो लड़का जो क्वेश्चन पूछा था ये वाला साढ़े तीन माइक का है तो फाइबर तो कितना यान रहेगा यान क्रस्ट्रक्शन में कितना फाइबर रहेगा फार्मूला वही लागू रहेगा तो फाइव थ्री वन फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट टू फोर डिवाइड बाई थर्टी पॉइंट फाइव एक सौ चालीस फाइबर्स पर एन क्रॉस सेक्शन तो ये सबके लिए वही फार्मूला है और जैसे मोटा काउंट में होगा नंबर ऑफ फाइबर कोर्स काउंट रहेगा काउंट अगर कोर्स रहेगा नंबर ऑफ फाइबर इंक्रीज कर जाएगा फाइन रहेगा तो कम हो जाएगा ये ध्यान रखिए फॉर्मूला वही लागू रहेगा उसी हिसाब से करते रहिएगा थैंक यू